हम गाजीपुर के लोग जानते हैं कि हमें न तो पुल आसानी से मिले हैं न ही सड़कें। ऐसे में जब एक बना बनाया पुराना और महान शख्सियत के नाम से जुड़ा पुल लापरवाही का शिकार हो तो आप क्या कहेंगे? वीर अब्दुल हमीद सेतु के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। लगातार हो रही ओवरलोडिंग की वजह से गंगा नदी पर स्थित हमीद सेतु के पिलर नंबर 6 एवं 7 के मध्य ज्वाइंटर नंबर 14 की पश्चिम तरफ की रोलर बेरिंग खिसक गई है। इस वजह से 3 इंच की दरार पड़ गई है। अब आनन फानन में सुहवल एवं कोतवाली पुलिस ने सभी तरह के भारी वाहनों के पुल से होकर आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। इस वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। प्रमुख जगहों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है ताकि भारी वाहन पर नजर रखी जाए। लेकिन कोई जिम्मेवारों से पूछे कि अब तक ये नजर क्यों नहीं रखी जा रही थी। आइए पूर्व प्रधान से ही जानते हैं पूरा मामला। मैं जमालुद्दीन का प्रधान रमोल। प्रधान जी, देखने में आ रहा है कि आज रात से ही हमें सेतु को वाहनों के लिए बंद कर दिया, क्या कारण है, इस वजह क्या है, इसमें लापरवाही किसकी है? ऐसा है कि रात में इस पे पैर पैदल चलने का रास्ता नहीं बच रहा। इस कोरोना की महामारी में इस पुल से लेके भदौरा तक और इस पुल से लेके जमानिया तक हजारों 2000 ट्रकें लगी रहती हैं और अवैध बालू का खनन, इस ट्रक से उस ट्रक, उस ट्रक से इस ट्रैक्टर पे पैर रखने का जगह नहीं मिल रहा है। इससे प्रधान जी लापरवाही किसकी है? जिस तरह से ओवरलोडिंग को लेकर लोग शिकायत पहले भी कर चुके हैं, आप लोग भी कर चुके हैं। ओवरलोडिंग का मतलब है कि 35 टन से ऊपर नहीं, लेकिन उसी 35 टन को आप 3 ट्रैक्टर में ट्रांसफर करके उसी पुल पर जब खड़े कर देंगे तो 35 टन तो हो ही गया। ओवरलोडिंग क्या हुआ? आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि ट्रक नहीं जा रही है 35 टन की, ट्रैक्टर जा रही है। वसूली की भी शिकायत आ रही है इसमें, प्रशासन की पूरी लापरवाही है। और तत्काल इसको डीएम साहब से और एसी साहब से अनुरोध है कि इसको रोके, नहीं तो पूरी गंगा जी में समा जाएगा। प्रधान जी, इसमें लापरवाही किसकी है? पूरी शासन की है, हमारे यहाँ की पुलिस की है, प्रशासन की है। तत्कालीन जिलाधिकारी के बालाजी ने वर्ष 2019 में पुल की स्थिति को देखते हुए यहाँ से 30 टन से अधिक भार वाले वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अभी आपने पूर्व प्रधान से ही जाना कि नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब उप जिलाधिकारी जमानिया सत्यप्रिय सिंह ने कहा कि भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है, वो भी ओवरलोडिंग पर जांच करा सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाल धनंजय मिश्रा, मैं हमराही संघ क्षतिग्रस्त जगह का मौका मुआयना करने के साथ बराबर गश्त कर रहे हैं। उन्होंने मातहतों को सख्त निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी तरह के ओवरलोड वाहन पुल से न गुजरें, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।